नमस्कार एजुकेशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में। महज 2 दिन से अब लॉकडाउन के खत्म होने में नरेंद्र मोदी द्वारा ना कोई संदेश ना कोई ऐलान। क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? 15 अप्रैल के बाद क्या रेल सेवाएं शुरू हो जाएगी? 15 अप्रैल के बाद क्या आप भी एक आजाद पंछी की तरह सड़कों पर घूम पाएंगे? और 15 अप्रैल के बाद क्या होगा अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको लॉकडाउन से लेकर लॉकडाउन खत्म होने तक की सभी जानकारियां मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर ही देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने इस वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा है, उसे दबाकर हमसे जुड़िए। साइड वाला घंटी का निशान अवश्य ही दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने भाई बहनों मित्रों के पास भी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताते जाइए कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन के विचारों पर फर्क ये तो डिपेंड करता है, और देश की स्थिति इस अनुकूल भी नहीं है कि हम कह सकें कि लॉकडाउन को हटाया जाए। करीबन 8,000 मामले सामने आ चुके हैं, कम नहीं है 8,000 मामले। लॉकडाउन के बाद भी मामले बढ़ रहे हैं। कारण सबको बताए, एक कारण था जिसके बाद बाउंस हुए, रेट बाउंस हुई और इतनी तेज, जो केस रेट बढ़ी कि हम उसे वापस अपने महजे में लाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टरों द्वारा, देश के विभिन्न रखवालों द्वारा काफ़ी कोशिश की गई कि इसे वापस कम किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और बढ़ती ही जा रही है रेट, जैसा कि देखा ही जा रहा है। स्थिति अनुकूल नहीं है कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। हालांकि गरीबों को देखते हुए कुछ छूट दी जा सकती है, क्योंकि आज देश के करोड़ों युवा, करोड़ों लोग जो बेरोजगार हैं, जो पाने की दृष्टि से दूसरे राज्य में गए हुए थे, प्रदेश में गए हुए थे, वो वहीं फंस गए हैं। अब फंसने के बाद गरीब लोग आखिर करे तो करे क्या? पेट खाली, जेब खाली, कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से दाल लाए, दो वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो रही। हालांकि सरकार ने काफ़ी अच्छे, कड़े और सराहनीय कदम उठाए, रेन बसेरे बनाए, फूड उपलब्ध करवाने की बात कही गई, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने तो लोगों को 5,000 खाते में भी डाल दिए। साथ ही उनके लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी, अगर आपको खाना नहीं मिले तो मैसेज करिए सरकार को, सरकार आप तक खाना पहुँचाएगी। फिलहाल दूसरे राज्य इससे कमज़ोर है, वैसे उन्हें भी अरविंद केजरीवाल द्वारा ही जैसे किए गए कार्य वैसे अपनाने चाहिए, ये मेरी ओर से सजेशन है पर्सनल। तो मोदी जी द्वारा अभी तक लॉकडाउन को लेकर कोई नया संबोधन, कोई नया संदेश नहीं देखने को मिला है। इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन को देश के अंदर केंद्र सरकार की ओर से हटाया जा सकता है। अब हटाया जाने के बाद मोदी की रणनीति साफ है, देश को या देश के कई इलाकों को 3 जोन्स में बांटा जाएगा, जिसमें ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन रहेंगे, जिनमें इस बीमारी के, इस महामारी के कम केसेज है उन्हें ग्रीन जोन के तौर पर रखा जाएगा, जिनमें थोड़े ज़्यादा है और कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल है, जिन्हें उनकी चेन तोड़ी जा सकती है, उन्हें ऑरेंज के अंदर रखा जाएगा। जहां पर मामले हद से ज़्यादा बढ़ गए, लोग मान नहीं रहे, उन्हें रेड जोन में रखा जाएगा, यानी कि उन जिलों को, उन इलाकों को एक तरीके से सील के रूप में रखा जाएगा। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह पाबंद रखा जाएगा। हालांकि जो किराने की दुकानें हैं, जो जरूरी सेवा की दुकानें हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण सर्विसेज की दुकानें हैं, उनको बंद नहीं किया जाएगा, उनको खोला ही रखा जाएगा। अगर लॉकडाउन समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति देश के अंदर होगी। तो मोदी जी द्वारा कल किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक वाक्य बड़ा चर्चित हुआ। वाक्य का भाव नरेंद्र मोदी जी ही जानते हुए, लेकिन कई बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसका मतलब समझाया। उनका यानी कि मोदी जी का कहना था कि जान भी है जहान भी है। इसका मतलब हम एक ही समझ सकते हैं, हमें देश की रक्षा करनी है, देश के लोगों की रक्षा भी करनी,
इसके साथ ही अर्थव्यवस्था और आजीविका की भी रक्षा करनी है। अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, अर्थव्यवस्था घटे ना, इकोनॉमी कम ना हो, वहाँ की जो एकदम से कह सकते हैं सर्विसेज कम ना हो, अर्थव्यवस्था ट्रिलियंस से मिलियंस पर ना आ जाए, ऐसे कई चीज़ें जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कह सकते हैं इस महामारी ने पूरी तरीके से सभी देशों की पावरफुल से पावरफुल कंट्रीज की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया, ट्रिलियंस से बिलियंस पर अर्थव्यवस्था आ गई। ऐसे हालात हो चुके हैं देशों के अंदर, फिलहाल भारत सेफ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, हम लेकर आएंगे लॉकडाउन की बड़ी खबरें इसी चैनल पर आपके लिए। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।